मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ आई विल कंटिन्यू योर एक्सरसाइज 3 से। एक्सरसाइज 3 भी तक आप लोगों के एचसीएम पढ़ चुके हैं, फैक्टर ऑफ एचसीएम के बारे में पढ़ चुके हुए हैं। अभी इस एक्सरसाइज में एलसीएम के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में बताऊँगा। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या इसको बोल सके लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। तो आपको एलसीएम निकालना है 1 की ए में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 1 में जो एलसीएम निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, और सेकेंड में आपको एलसीएम निकालना है वो मल्टीपल के थ्रू निकालना है, मल्टीपल्स निकालने के बाद निकालना है, और थर्ड में जो आपका एलसीएम निकालना है वो कॉमन डिविजन मेथड से निकालना है। तीनों मेथड में बताऊँगा, और एक और चौथा मेथड भी है वो भी मैं बताऊँगा। पहले आप फर्स्ट मेथड में देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। 24 में पहले 24 और 60 का आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। 24 में 24 का फैक्टर निकालें तो पहले आप क्या आएगा, 2 × 12 लिख सकते हैं। 24 2 × 12, अब इसको अब मेरे को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं, फिर प्राइम फैक्टर के रूप में 2 × 6। अब 6 को फिर क्या लिखेंगे, तो 2 × 3 लिख सकते हैं। तो बाकी आप सेम क्वेश्चन उतारते जाएंगे, केवल ये चेंज हो रहा है। लास्ट वाला क्या फैक्टर भी निकाला, 6 का बिल्कुल बहुत ही होगा 2 × 3, यानी आपका फाइनल फैक्टर क्या आया, फाइनल फैक्टर आ गया 2 × 2 × 2 × 3। ये आ गया 24 का फैक्टर फाइनल फैक्टर, और 60 का फैक्टर निकाला। तो पहले 60 जो है 2 के टेबल से कटेगा कितना बार, 35। अब 30 का फैक्टर क्या होगा, 30 जो है 2 के टेबल से कटेगा कितनी बार, 15 बार। अब 15 का फैक्टर है 15 जो है 2 ये मैं यहाँ पे पुट कर दिया, उससे 15 अब जो है लास्ट फैक्टर उसका निकालता हूँ। 15 जो किससे बच्चे कटेगा 3 के टेबल, कितना टाइम्स 5 है, वो क्या 5 भी फैक्टर निकल चुका। 5 का फैक्टर तो बनाते हैं, 5 का फैक्टर तो 5 ही है, इसलिए उसको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। 5 फैक्टर से आ गया 60 का 2 × 2 × 3 × 5। अब आपको फाइनल फैक्टर दोनों का मालूम हो चुका है, 24 और 60 का। तो हम फाइनल फैक्टर ऑफ एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पहले कॉमन फैक्टर जो उसको भी लेते हैं, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसको भी लेते हैं, और उसका प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट यानी जो उसका प्रोडक्ट आता है वो एलसीएम का होता है। तो देखिए कॉमन फैक्टर पर 2 और 2, और नॉन कॉमन जो है वो भी लेते हैं। चलिए वो सब लेते हैं, पहले 2, एक और 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, हो गया। पहले कॉमन फैक्टर को हम लिख लिए यहाँ पे, उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर वो लिख लेते हैं, 2 उसके बाद है 1, वो उसका सारा वैल्यू हम लिख चुके हैं कॉमन फैक्टर को भी और नॉन कॉमन फैक्टर को भी। एलसीएम में ये कर दे, एलसीएम में मैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था उसमें केवल आपको क्या बता रहा है कि जो कॉमन होता है वो लेते हैं, उसका प्रोडक्ट आपको एलसीएम होता है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, तो कॉमन फैक्टर भी एंड नॉन कॉमन फैक्टर भी सबको लेते हैं, तो उसका प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम होता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 10 = 30, 30 × 60 = 120, यानी फाइनल आपका एलसीएम क्या आ गया, 120 आ गया। 24 × 60 का एलसीएम 120 आ गया। सिंपल सा प्राइम फैक्टर इक्वेशन बनाना आपको। सेकेंड में आपको निकाले आपको 10 मल्टीपल्स निकालना सभी नंबर का, उसके बाद आपको एलसीएम देने से निकालना। तो हम निकाल लेते हैं पहले मल्टीपल, द मल्टीपल फर्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 80 and the first 10 multiples of 20. तो आपको टेबल याद रखना चाहिए, कभी आप पब्लिक सेक्टर मल्टीपल टेबल याद रखना चाहिए आप। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम 10 मल्टीपल फर्स्ट 10 मल्टीपल लिख चुके दोनों नंबर का, 18 और 20 का। अब
एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, अब मल्टीपल्स निकाल सकते, एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखना है कि दोनों में जो मल्टीपल है सबसे छोटा मल्टीपल वो देखेंगे, दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल, कॉमन भी होना चाहिए, लेकिन तो छोटा कॉमन क्या है, 18, 20 नहीं है, 36, 40, 50, 60, 54, 60, 72, 80, 1900, आगे क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो आपको केवल एक ही कॉमन दिख रहा है इसमें, जो कि 180, जो कि 180 है, ये कॉमन है। इसलिए आपका सो एलसीएम हो गया। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 and 20 तो क्या है, 180। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 18 and 20 एंड 20 का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 180, इसलिए 180 को हमने लिख दिया। ये क्या है, इसका एलसीएम। और 3 में हम क्या निकालना है, कॉमन डिलीमेंट से आपको एलसीएम निकालना है। कॉमन डिलीमेंट से एलसीएम देख कैसे निकालते हैं, जो आप एलसीएम जनरली एलसीएम जानते हैं वही आपको कॉमन डिलीमेंट का एलसीएम, बाय कॉमन डिलीमेंट। एलसीएम निकालने का एक जनरल मेथड हम जानते हैं बस 60, जैसे आप फैक्टर निकालते हैं वही, लेकिन फैक्टर तो आप सिंगल सिंगल नंबर का निकालते हैं, इसमें सारे नंबर को एक साथ ले लेते हैं, 60, 84, 104। अब आपको सबसे छोटे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, इसको डिवाइड करना है 2 से, जो एक से ज्यादा नंबर को डिवाइड करें, डिवाइड करें वैसे नंबर ही लेते हैं प्राइम नंबर, सब इंटीजर डिवाइड हो रहा है इसलिए आपको 2 अब मिलेगा। ऊपर ये 2 ही है, आपका 3 हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा, अब 7, अब तो कटेगा नहीं, और कौन आ गया, सेम टेबल से, सेम टेबल से आपको 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए सेम टेबल, तभी आप आगे फिर कंटिन्यू कर। अब तो 1 होता है तो कटिंग हो जाएगी, नहीं वैसे ही सेम क्या होगा, तो बाहर कितना टर्म उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, नीचे का भी नंबर अगर कुछ बच रहा था 2 या 3 आता तो वो भी नंबर लिखते, लेकिन यहाँ तो 1 नंबर था तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू भी वही आएगा, सिर्फ नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 नंबर पे लिखे तो बाहर गए 2 × 2 × 3 × 5 × 7 लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 420 एलसीएम आ गया, 60, 84 और 140 का एलसीएम 420 आ गया। फिर ऐसे बनाना, एक लास्ट मेथड मैंने बताया था कि एक और मेथड है एलसीएम निकालने का, वो है आपको एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या करते हैं, एलसीएम मेथड में जब आपको बड़े नंबर का एलसीएम निकालना हो, एक ऐसा नंबर जिसने जिसमें पता नहीं चला होगा वो नंबर तो गिवन नंबर है, वो किस नंबर से डिविजिबल हो, किस नंबर से डिवाइड हो, इसमें तो पता चल रहा है कि 2 से भी कटने वाला है क्योंकि लास्ट डेट इवन नंबर था इसलिए आपको पता चल गया, लेकिन जिसे पता ना चले किस चीज किस डिजिट किस डिजिट से किस नंबर से कटेगा, तो उसमें हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या करते हैं पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो एलसीएम आता है नंबर्स का तो उस एलसीएम से ही डिवाइड, एलसीएम से ही इसको नंबर्स को डिवाइड करके हम जो वैल्यू आता है और तब सॉल्व करते हैं, जो आपका वैल्यू प्रोडक्ट निकालेंगे तो एलसीएम हो जाता है। तो आपको जिस मेथड से बोला जा रहा है क्वेश्चन में निकालेंगे उसी मेथड से निकालना है, बस क्वेश्चन नंबर 7 में एलसीएम मेथड से आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में क्या करेंगे, तो पहले आप तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, 60 से 84 का पहले, उसके बाद देन जो नंबर आया एलसीएम उससे 140 का एलसीएम निकालिएगा, अब जो फाइनल एलसीएम आएगा अब उससे डिवाइड कीजिएगा, ये तीनों नंबर को ऐसे ही लेकर आगे ऐसे कंटिन्यू कीजिएगा, बस डिवाइड 2 या 3 या 4 से ना करके जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड कीजिएगा, जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करना है। हाँ,
उससे अब नंबर को इमेजिन नहीं करना है, जो एचसीएफ है उससे डिवाइड करें, उससे काटेंगे आगे और जो फिर बाहर का जो नंबर आएगा जो फैक्टर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका एलसीएम निकलता है। सिंपल सा है। तो इस तरह आप एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट करके रखें। थैंक यू।